Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will talk about subject, verb and object. Bunyadi taur pe sentence ko mukhtalif categories mein, mukhtalif parts mein divide kiya ja sakta hai. A sentence can be divided into various parts. Ek division jo sentence ki hai wo subject, verb aur object ki buniyad pe hai. सब्जेक्ट क्या है हम जरा पहले देखते हैं, जरा इससे पहले देखते हैं सेंटेंस क्या है बुनियादी तौर पर. हम जब सेंटेंस यूज करते हैं तो हम किसी चीज के बारे में कोई कह रहे होते हैं, या हम किसी एंटिटी का, किसी शख्स का, किसी जानवर का एक्शन बता रहे होते हैं. मसलन मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि वी प्ले क्रिकेट. इस सेंटेंस में वी के मुतालिक मैं कुछ बता रहा हूं कि वी प्ले क्रिकेट. या मैं कहता हूं Ali goes to school. इस जुमले के अंदर जब कहा जाता है Ali goes to school, इसमें Ali कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है. Ali goes to school, goes Ali का एक्शन है. तो जब हम सेंटेंस यूज करते हैं तो हम सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट का, किसी इंसान का या किसी जानवर के एक्शन की बात कर रहे होते हैं. जैसे मैंने कहा मसलन Ali goes to school. इस सेंटेंस में अली कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है. इसी तरह जब मैं कह रहा हूं सनी राइट्स अ लेटर, इस सेंटेंस में सनी कुछ काम कर रहा है. तो जो भी सेंटेंस होता है उसमें कुछ एंटिटी, कुछ ह्यूमन बीइंग या कुछ भी एनीथिंग दैट परफॉर्म्स सम एक्शन, तो उस हवाले से हम जरा देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. अच्छा, बुनियादी तौर पे सब्जेक्ट किसी भी जुमले में वो एंटिटी होती है जो एक्शन परफॉर्म कर रही है. इसीलिए हम आसान अल्फाज में इसे कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस. किसी भी जुमले में कोई काम करने वाला, इस सेंटेंस को अगर देखा जाए इस सेंटेंस के अंदर Ali एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो सेंटेंस नंबर वन है इसमें Ali एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए Ali इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस है इसमें समी कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए समी सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है. अच्छा, सब्जेक्ट की एक तो डेफिनेशन ये बड़ी आसान सी और बड़ी सिंपल सी है कि डूअर ऑफ एक्शन. बाद सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्टली हमें कोई एक्शन परफॉर्म होता हुआ नहीं दिख रहा होता. दैट इन दिस इन सम ऑफ द सेंटेंसेस देयर इज नो डायरेक्ट एक्शन. मसलन मैं कहता हूं ही इज माई ब्रदर, शायान इज माय फ्रेंड. इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं है, शायान का कोई एक्शन नहीं है, लेकिन शायान के मुतालिक मैं कोई बात कर रहा हूं. इसीलिए दूसरी डेफिनेशन सब्जेक्ट की वो है द एंटिटी अबाउट विच समथिंग इज सेड. कोई भी ऐसी चीज, कोई इंसान, कोई जानवर जिसके बारे में मैं कोई बात कर रहा हूं वो सब्जेक्ट कहलाएगा. इसीलिए डिफाइन में यू करता हूं द एंटिटी, एंटिटी कोई भी चीज अबाउट विच समथिंग इज सेड. दो एतबार से हमने सब्जेक्ट को देखा, एक ये किसी भी जुमले में कोई काम करने वाला है तो वो सब्जेक्ट है, ये किसी चीज के हवाले से कोई बात की जा रही है, जिस चीज के बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है. अच्छा, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में एक जुमले का भी हो सकता है, सॉरी एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है. जैसे मैंने इन तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक वर्ड का है. अब मैं एक दूसरा सेंटेंस देखता हूं, अगर आप उसे देखिए माय ब्रदर
reads in first year, for example. अब इस जुमले में देखिए सर, आप जो मैंने जुमला यूज किया है माई ब्रदर, इसमें मैं माई ब्रदर ये सारा ऐसा पार्ट है जिसके मुतालिक मैं को बात कर रहा हूं. सो इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा वर्ड का है. सो माई ब्रदर इसका सब्जेक्ट है. इसी तरह कोई सेंटेंस ऐसा हो सकता है जिसमें सब्जेक्ट और ज्यादा वर्ड्स का हो. मसलन माई बेस्ट फ्रेंड इज अ टीचर, तो उसमें माय बेस्ट फ्रेंड मैं सारे वर्ड के मुतालिक, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के मुतालिक मैं को बात करना चाह रहा हूँ. सो सब्जेक्ट किसी भी जुमले में एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है. जैसे एक और सेंटेंस में जरा कॉम्प्लिकेटेड से लिख रहा हूँ, इसे जरा गौर करिए. सेंटेंस नंबर 5, मैं कह रहा हूं द मैन हु इज रीडिंग is my brother. इस जुमले को अगर आप देखिए तो ये सारा जो पार्ट है द मैन हु इज रीडिंग, ये सारा ऐसा है जिसके मुतालिक मैं को बात कर रहा हूं. सो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट 5 वर्ड्स का है, 1, 2, 3, 4, 5. इसी हवाले से कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है. और बातों का कैसे होता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन भी होता है. जैसे मैं कह रहा हूं कम इनसाइड, अब इस सेंटेंस में जो मैं बुनियादी तौर पे ये कह रहा हूं यू कम इनसाइड, तो यू मैंने छुपा हुआ रखा हुआ है, तो इसमें यू सब्जेक्ट है. इंपेरेटिव सेंटेंसेस इन्हें बोलते हैं जो वर्ब से शुरू होते हैं, इनका सब्जेक्ट हिडन होता है. अच्छा, दूसरी बात वर्ब. किसी भी सेंटेंस का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सब्जेक्ट का एक्शन होगा उसे हम वर्ब कहेंगे. इसीलिए हम इसे कहते हैं अ वर्ड दैट शोज एक्शन. किसी भी जुमले में कोई ऐसा वर्ड जो हमें एक्शन बता रहा है, किसी भी तरह का एक्शन, या दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है a word that shows state. Helping verbs जिन्हें आमतौर पे कहा जाता है, इन्हें be verbs भी कहते हैं, ये state show कर रहे होते हैं, हालत बता रहे होते हैं. ये जो सारे sentences हमने 5 लिखे हैं, इनमें देखिए verbs कौन-कौन से हैं. Goes, Ali का action है, ये verb है. Sami का action, writes, ये verb है. इसमें देखिए Shyam is, ये जो is है, ये हमें state बता रहा है. इसकी जगह पे मैं was भी लिख सकता हूँ. ये जो है ये स्टेट शो कर रहा है, इसीलिए सेंटेंस का वर्ब है. माय ब्रदर रीड्स, ये रीड्स मुझे माय ब्रदर के एक्शन के हवाले से बता रहा है इस सेंटेंस में. और इसके अंदर ये जो मेन वर्ब है ये रीडिंग है. रीडिंग एक ये है, ये सब्जेक्ट का हिस्सा है. बुनियादी तौर पे इस सेंटेंस का वर्ब जो है इज है, जो स्टेट शो कर रहा है इस सारे सब्जेक्ट की. इस सब्जेक्ट के अंदर का ये हिस्सा है, ये वर्ब ये सब्जेक्ट के साथ है. खैर इसे किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे. बुनियादी तौर पे इस सारे सेंटेंस का, सेंटेंस नंबर 5 का जो वर्ब है इज है, जो हमें शो कर रहा है इस सब्जेक्ट की स्टेट. ये जो बाकी पार्ट है, ये इसके सब्जेक्ट के अंदर का वर्ब है, वो इस हिस्से के साथ कनेक्टेड है. ये इसे क्लास कहते हैं, ये सेंटेंस की क्लास है और क्लास का हिस्सा है ये वाला वर्ब. इस सारे सेंटेंस का वर्ब ये इज है. अच्छा, तीसरी चीज और वर्ब का आपको पता है, वर्ब की कई फॉर्म्स हो सकती हैं. फर्स्ट फॉर्म आमतौर पर प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं. सेकंड फॉर्म या उसे पास्ट फॉर्म कहते हैं. थर्ड फॉर्म या जिन्हें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं. और आईएनजी फॉर्म जिसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोलते हैं, और बाज़ों का आमतौर पर उसे फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है. इस तरह बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं. आमतौर पर आम एक वर्ब की 6 फॉर्म्स होती हैं. 6 फॉर्म्स कैसे, इस पर कभी फिर बात करेंगे. लेकिन एक वर्ब की कई फॉर्म्स हो सकती हैं. नो फॉर्म्स भी, ऐसे वर्ब्स भी हैं जिनकी नो फॉर्म्स हैं. बी वर्ब की, जो बी ई वर्ब है, इसकी कई फॉर्म्स हैं. तो मैं ये कह रहा हूं कि वर्ब की कई फॉर्म्स हो सकती हैं. अच्छा, तीसरी जो चीज हमने देखनी है वो है ऑब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस के अंदर बड़ी आसान सी जो डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट की, वो ये है एन एंटिटी दैट रिसीव्स एक्शन, या हम ये कहते हैं रिसीवर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस.
किसी भी सेंटेंस के अंदर जो वर्ब को रिसीव कर रहा होता है हम उसे उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा एक और बात है, मैं रखिए काम करने वाला सब्जेक्ट जो होता है वो या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। आसान पहचान ये होती है कि आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अगर देखना चाहते हैं उसके लिए आप ये देखें कि वर्ब के बाद फौरन पहले जो नाउन या प्रोनाउन आ गया, वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आ गया उन्हें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा आमतौर पर जो इंग्लिश की सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कई पैटर्न है इंग्लिश सेंटेंसेस के, 6-7 हैं, तो उनमें जो सबसे कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट SVO। आमतौर पे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर में, वर्ब उसके बाद और ऑब्जेक्ट उसके बाद। जैसे ये सारे सेंटेंसेस हमने देखे, इनमें जो पहला स्लॉट है इसे स्लॉट भी बोलते हैं, स्लॉट से मुराद पोजिशन। जो वर्ब से पहले का जो स्लॉट है वो सब्जेक्ट का है, दरमियान में जो स्लॉट है वो वर्ब का है, और उसके बाद वर्ब के बाद वाला जो स्लॉट है पोजिशन है वो ऑब्जेक्ट की है। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अली जो और एक्शन है इसे सब्जेक्ट कहेंगे, गर्ल्स अली का एक्शन है वर्ब कहेंगे। ये जो टू स्कूल है ये स्लॉट या पोजिशन ऑब्जेक्ट की है लेकिन ये गोज का ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि स्कूल पे डायरेक्टली एक्शन नहीं हो रहा। ये जो है ये जो पार्ट है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, किसी और वीडियो में हम देखेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, आमतौर पे इसकी डेफिनेशन ये होती है एक प्रेपोजिशन और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, अ फ्रेज दैट बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन एंड एंड्स विद अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एज प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये टू प्रेपोजिशन है, स्कूल नाउन है, ये जो सारा पार्ट है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है टू वर्ड्स का, और ये ऑब्जेक्ट की पोजिशन दे रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो इस वर्ब के बाद यहां पर होगा। सेकेंड सेंटेंस में देखिए समी सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले आ रहा है, दूसरी बात राइट्स, समी का वर्ब आ गया, एक्शन आ गया, और अ लेटर ये इस राइट का ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक्शन यहां से ट्रांसफर हो रहा है समी से लेटर की तरफ। तो जो डूअर ऑफ एक्शन है समी दैट इज सब्जेक्ट, राइट्स इज द एक्शन ऑफ समी एंड अ लेटर दिस एक्शन इज बीइंग रिसीव्ड बाय लेटर, लेटर के ऊपर काम हो रहा है, एक्शन ट्रांसफर हो रहा है समी से लेटर की तरफ, ये रिसीव कर रहा है एक्शन को, इसीलिए अ लेटर ये जो पार्ट है ये ऑब्जेक्ट है। इधर देखें शायान इज माय फ्रेंड, इसमें मेन वर्ब नहीं है, डूइंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है इसीलिए हम इसे ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर करते। वैसे हेल्पिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट का स्लॉट कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट का स्लॉट है, ये वर्ब का स्लॉट है, और ये जो पार्ट है ये ऑब्जेक्ट का स्लॉट है कहा जा सकता है, लेकिन ये सारे पार्ट को कलेक्टिवली हम प्रेडिकेट कहते हैं। और ये स्टेटिव वर्ब है, इसे लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं और इसे कपियोला भी बोलते हैं, कपियोला। अच्छा इधर देखिए माय ब्रदर रीड्स इन फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट माय ब्रदर रीड्स वर्ब है, डायरेक्टली एक्शन किसी चीज पे नहीं हो रहा इसीलिए रिसीवर ऑफ एक्शन इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इधर देखें द मैन हु इज रीडिंग, यहां पे भी मैन वर्ब नहीं है, डूइंग वर्ब नहीं है, इसीलिए यहां पर स्टेटिव वर्ब है और या लिंकिंग वर्ब इसे आप कहें या कपूला है और उसके बाद नाम है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का स्लॉट है। तो बात हम ये कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन, वर्ब एक्शन, और ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन, और कॉमन जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है SVO। सो दैट इज इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।